लोगों को जो बेसिक मैनुअल मैंने आप लोगों को दिया था, ये देखिए ये है। अगर ये फॉर एग्जांपल आप लोगों को गिटहब पे जो प्रोजेक्ट बेस फॉर एग्जांपल कोडिंग है और इसमें क्लासेस फंक्शंस इसका समझ नहीं आता, तो ये जो है ना दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को एक मैनुअल दिया था बेसिक। इसमें देखिए चैप्टर नंबर 7, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पेवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक, पाइथन में जो फॉर एग्जाम्पल हम परफॉर्म करते हैं, क्लियर। ये आप लोगों के खिदमत में है। और इसमें सारे तरीके किस तरह हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, किस तरह क्लास है, क्या कर सकते हैं, इनहेरिटेंस किस तरह होगा, ठीक, ये सारी चीज़ें इसमें तफसीलन ये जो है ना इसमें मेंशन है। अच्छा, इसके चैप्टर नंबर 8 में फिर वो लाइब्रेरीज शुरू हो जाते हैं जो कॉमनली यूज लाइब्रेरीज है, लाइक मैथ्स लाइब्रेरी, लाइक नंबी लाइब्रेरी, ठीक, लाइक RE लाइब्रेरी, और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं वो चीज़ें हैं। यानी अगर आप इस मैनुअल को पढ़े, समझा रहे हैं, तो आप खुद ब खुद आप लोगों को जो आप लोगों को मैंने दूसरा असाइनमेंट दिया है ना, वो भी आप लोगों का किसी ना किसी हद तक कवर हो जाएगा, समझा रहे हैं, स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर 8 और 9, ठीक। इसने इधर अपने क्लास वगैरह सिंपल अंदाज से डिफाइन किए हैं, ठीक, ये क्लास है जैसे डॉग, हमने डिफाइन ये क्लास है डॉग और इसमें हमने ये फंक्शंस डिफाइन किए। आप लोग क्लियरली आप लोगों को नजर आ रहा है जो गिटहब पे मैंने आप लोगों को एग्जांपल शेयर किए, और या ये वाला इसमें देखिए क्लास और फंक्शन में फर्क ये है कि क्लास के स्टार्ट पे CLASS क्लास लिखते हैं, और जब फंक्शन डिफाइन करते हैं तो DEF लिखते हैं, क्लियर, समझा रहे हैं? यस या तो ये चीज़ आप लोग मद्देनजर रखिए। ये भी एक फंक्शन है, इसके आगे फॉर एग्जाम्पल अंडरस्कोर है, फिर जो है ना LT लिखा है, फिर अंडरस्कोर है, ठीक, ये जो है ना यस इसका एक खास मतलब होता है। ये जो फंक्शन है फॉर एग्जाम्पल जिसके ये अंडरस्कोर डबल टाइप आ जाए, समझा रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्पेसिफिकली पाइथन में इसका एक खास मतलब होता है, समझा रहा है, ये आम फंक्शन नहीं है। ये देखिए डबल अंडरस्कोर LT और डबल अंडरस्कोर पे ये स्कूबी क्या है, ये डाक का कोई इस तरह फॉर इंस्टेंस टाइप वगैरह होगा, क्लियर। सही सर। इनिशियलाइज किस तरह करते हैं पूरी तरह से दिख रहा है, स्ट्रिंग मेथड क्या होते हैं, क्लियर, सही ये क्या होते हैं, ये देखिए एडिंग दिस एंड दिस वन प्रिंटेड टू द स्क्रीन, मिसाल के तौर पर इसका फंक्शन क्या है, जब डबल अंडरस्कोर पहले और फिर फंक्शन का नेम और फिर डबल अंडरस्कोर बाद में, तो इसमें और मिसाल के तौर पर INIT फॉर एग्जाम्पल इनिशियल या स्ट्रिंग, वैसे फंक्शन आप डिक्लेयर करें तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये आप लोग ज़रा एज एन असाइनमेंट उसको दोहराए ज़रा, ये डबल अंडरस्कोर आगे पीछे सही रिमूव सर। करे, ठीक, इसी तरह एक फंक्शन बनाए, फिर उसको ज़रा कॉल करे, ठीक। यहाँ पे देखिए जब फंक्शन हम डिफाइन करते हैं तो कोई इस तरह कोई ब्रैकेट ब्रैकेट कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे रिटर्न लिखा है, और जब आगे फॉर एग्जाम्पल ये वाला कर्सर आ जाए या ये फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा क्लास शुरू हो जाए, तो हम जो है ना हमें क्लियरली अंदाजा हो जाता है कि द स्कोप ऑफ दिस फंक्शन आर क्लास कम टू एन एंड, ओके, यस मॉडिफिकेशन फंक्शंस, यहाँ भी मेथड का लफ्ज इस्तेमाल होता है, मैं फंक्शन कह रहा हूँ, मेथड कहते हैं जैसे लाइक जावा में फॉर एग्जाम्पल, ठीक, ये क्या है, ये ऊपर डिफाइन है शीप डोली, चीप हाँ डोली वो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका क्लोन बना था वो वाला जो बेड थे, ठीक है, सही से स्टेटिक लिखते हैं या नहीं लिखते, स्टेटिक जो फंक्शन होते हैं, ठीक, स्टेटिक मेथड, माइल टू किलोमीटर, क्लास यूटिलिटीज, कोई स्टेटिक कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करते, समझ आ रहा है, जो स्टेटिक फॉर एग्जांपल मेथड्स यस होने, हाँ इसमें माइल्स टू किलोमीटर, इसमें बस फॉर एग्जांपल स्टेटिक मेथड का मतलब इधर ये है
इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पर माइल टू किलोमीटर, ये तो एक कांस्टेंट फॉर एग्जांपल एक टर्म है, इसके लिए कभी कभार इनकी ज़रूरत पेश आ जाती है। वो जो स्टेटिक कंसेप्ट है ना, जो हम वेरिएबल को स्टेटिक फॉर एग्जांपल एक खास पर्पस के लिए हम डिक्लेयर करते थे, समझ आ रहा, वो इधर मौजूद नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें इनहेरिटेंस को, इधर ऑब्जर्व करें, ऊपर क्लास है, इसकी तीन फंक्शंस हैं, ठीक, और नीचे देखिए इनहेरिटेंस। डॉग वन, यस सर। हाँ देखिए ये डार्क क्लास है, समझा रहे, और ये इनहेरिटेड क्लास। और इनहेरिट हम किस तरह करते हैं, डार्क वन, ठीक, और यस इसको सर, जो बेस क्लास है, पेरेंट क्लास है, वो उसको वैसे ही असाइन करते हैं एज ए फंक्शन, ठीक। सही सर। हाँ जब आप लोग नीचे आ जाए, सुपर क्लास और सब क्लास ये चीजें, ठीक, पेरीमीटर, एरिया और इनिशियलाइजेशन, ये इस तरह है ना एनेट। यहाँ पे एनेट अगर स्ट्रिंग हो तो वो तो उसका अपना मकसद है, लेकिन जो इनिशियल है डबल अंडरस्कोर आगे और डबल अंडरस्कोर बाद में, तो ये एक्चुअली इनिशियलाइजेशन करता है, जिस तरह कंस्ट्रक्टर होते हैं। क्लियर? अभी शौकत घबरा जाएगा कि इसके एंड पे भी कोलोन है और इसके एंड पे भी कोलोन है और यहाँ पे क्लास के एंड पे भी कोलोन है, तो ये कंपाइलर किस तरह डिमार्केट करता है, कंपाइलर को यहाँ से पता चल जाता है। ये देखिए यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे डिफाइन है, ठीक, Yes. और फिर ये जो जो फंक्शन है ना, जो कंस्ट्रक्टर है, मिसाल के तौर पर हम इसको कंस्ट्रक्टर कहेंगे, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का लफ्ज है, क्योंकि आप लोग कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर से ऑलरेडी वाकिफ है। तो जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और आम जो फंक्शन है, उसमें फ़र्क ये है कि कंस्ट्रक्शन में पहले दो अंडरस्कोर और फिर बाद में भी जो फंक्शन नेम है उसके बाद भी दो अंडरस्कोर हम लिख लेते हैं। ये इसे आपने घबराना नहीं, ये लेंथ का फार्मूला है, एरिया का फार्मूला, लंबाई ज़रबे चौड़ाई जिस तरह हम कहते हैं, ये दोस्तों फॉर एग्जाम्पल जो पेरीमीटर है उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है। ये मॉड्यूल्स है, शुरू हो जाते हैं बस, फिर इसमें मुख्तलिफ मॉड्यूल है, ओएस मॉड्यूल है, ठीक, कि ओएस क्या मॉड्यूल है, इसमें कौन कौन से लाइब्रेरीज है, समझा रहे, ये बड़ी लाइब्रेरीज होते हैं ना, कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज है, या लाइब्रेरी भी आप इसको कह सकते हैं, गेट सी डब्ल्यू डी, ये इसमें क्या है मिसाल के तौर पर, फिर डेट टाइम मॉड्यूल है, इम्पोर्ट डेट टाइम और इम्पोर्ट आई थिंक सो अदर थिंग्स, देखिए इम्पोर्ट डेट टाइम, माई डेट, डेट टाइम डॉट डेट, समझ आ रहा है, ये फॉर्मेट आपका ठीक होना चाहिए, ये पाइथन का जनरल एक्सेप्टेड फॉर्मेट है, ईयर मंथ और क्या तारीख जो डेट है, समझ आ रहा है, और स्मॉल ब्रैकेट्स, और ये कहाँ पे है ये डेट, ये बिल्ट इन फंक्शन है डेट टाइम लाइब्रेरी के अंदर, क्लियर? यस सर। हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए आप लोगों के जहन में। मैथ है, मैथ लाइब्रेरी में क्या है, मैथ में हम क्या क्या कर सकते हैं, लॉगरिथम कैलकुलेट कर सकते हैं, सिस्टम मॉड्यूल है, सिस्टम मॉड्यूल में क्या क्या है, समझा रहे, ये चीज़ें। ओके ओएस मॉड्यूल फिर आ गया, आगे थोड़ा बढ़ते हैं, ये वही चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी इसमें मैं आपको बता दूं, ये फॉर एग्जांपल देखिए टेस्ट रेप मॉड्यूल, टेस्ट रेप मॉड्यूल, टेस्ट जो टेक्स्ट है ना या स्ट्रिंग, इसको प्रॉपरली प्रोसेस करने के लिए। अच्छा जी लोब, जी लोब के अलावा यहाँ पे जेड लाइब्रेरी, जी जेप, ये जो जेप फाइल्स है ना उसको प्रोसेस करने के लिए, ये चीज़ें भी है। और फॉर एग्जांपल आप लोग वाकिफ़ होंगे कि जितने भी कंटेंट्स है वर्ल्ड वाइड वेब पे,
वो यूटीएफ कोडिंग इनकोडिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं 8। ठीक, तो जो इनकोडिंग स्कीम है उसको ट्रांसलेट करने के लिए भी लाइब्रेरीज है, ये जो है ना ये चीज़ से आप लोग वाकिफ है। इसमें आप लोगों ने डेटा सेट भी डाउनलोड किए है, उसको मैनिपुलेट किया है। ये देखिए सी एस वी, ये दिया है कि सी एस वी क्या है, कैसे काम करता है, क्या सी एस वी के लिए भी है कोई लाइब्रेरी वगैरह है कि नहीं। ठीक जी, जेब समझ आ रहा है। देखिए जी जेब मॉड्यूल और पैकेजेस, अच्छा कुछ इस तरह चीज़ें होती है पाइथन में जिसको हम इंस्टॉल भी करते हैं। मिसाल के तौर पर पाइथन 3 पिप इंस्टॉल सम पैकेज, एनी पैकेज। मिसाल के तौर पर ये जो है ना ये पाइचाम में जब आप सेटिंग में जाए और सेटिंग में एड इंटरप्रेटर पे क्लिक करें, क्लियर, तो वहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसीजर पे ये इंस्टॉल कर सकते हैं कोई भी पैकेज, और ये थ्रू कमांड भी कर सकते हैं। दोस्तों ये जो कमांड है ये लिनक्स के लिए है, क्लियर, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए, ये लिनक्स के लिए अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। लिनक्स में क्या होता है, टर्मिनल होता है, टर्मिनल किसे कहते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट जिस तरह विंडो का है। ठीक, कमांड प्रॉम्प्ट कभी खोला है ना, इस तरह लिनक्स में एक टर्मिनल होता है, समझा रहे हैं। यस सर, ये सारे मॉड्यूल से, अच्छा ये बाय पाइथन फिर आप लोगों के सर पे आ गया, मैं आप लोगों को बचाना चाहता था। ये भी क्या है, एक पैकेज है जिसमें बायोइनफॉर्मेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर बायोलॉजी के, वो जो है ना बाय पाइथन से हम हल करते हैं, क्लियर। बाय पाइथन को आप अलर्ट से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं कि फ्रॉम बाय पाइथन इम्पोर्ट बायो, ठीक, या लेट से बायो बी फ्रॉम बायो इम्पोर्ट लेट से सीक्वेंस आईओ। इसके फिर फर्दर लाइब्रेरीज है, मेरे ख्याल में इस क्लास में या दूसरे क्लास में मैंने कुछ इस पे रोशनी भी डाली थी। ये देखिए सीक्वेंस आईओ, यानी ये बायो पाइथन लाइब्रेरीज है, जिस तरह भी मैंने ये एग्जांपल आप लोगों को एक्सप्लेन किया पाई माई से, देखिए पाई एम एस ए। ठीक, एक ये तरीका है, एक ये तरीके होते हैं, ये दूसरे लाइब्रेरीज है, इसके जरिए भी वही स्ट्रिंग मैचिंग या सीक्वेंस मैचिंग आप कर सकते हैं, क्लियर। ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, और फास्टा का आप रन ही नहीं कर सकते, ना ही ये बायो जो है ना इम्पोर्ट होगा आपकी जुपिटर एनालिटिक्स में, बायो इम्पोर्ट नहीं होता, क्लियर। जो बाय लाइब्रेरी है ये इम्पोर्ट नहीं होगा जिस एनालिटिक्स में, इसके लिए कौन सा चाहिए, पाइचाम्प। ठीक, अभी दोस्तों आप लोगों का काम है, मैंने तो अपना वो हक जो है ना पूरी तरह से पूरा किया, मुझे प्रॉब्लम ले आए और मुझे बता दे कि अभी ये जीबी क्या है, मिसाल के तौर पर अभी ये फास्टा क्या है, मुझे आप लोगों ने बताना है एस ई क्यू आई ओ ये क्या है, ये किस चीज़ का मुखफ़ है। ये देखिए सीक्वेंस इनपुट आउटपुट एस ई क्यू, समझ आ रहे हैं, एलाइन आई ओ, एलाइन आई ओ, ठीक है ना। ये इसमें एक और लाइब्रेरी है, ये नीचे शायद इन्होंने भी दी हो, इसका एक और, ये जो बाय पाइथन है ना इसका एक स्पेसिफिक मेरे साथ एक और मैनुअल भी है। ठीक, सही है, हाँ, तो ये जो है ना दोस्तों ये चीज इस पे जरा काम करे। ये आर ई मॉड्यूल है, आर ई मॉड्यूल में क्या है, मैचिंग कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, फाइंड ऑल, फाइंड एट ऑल, एक मैचिंग या एक अलाइनमेंट तो ऊपर है ना बाय पाइथन के जरिए या पाई एम एस ए के जरिए हम करते हैं, ये कौन सा मैचिंग है, अभी आप इस चीज को डिग आउट करें। ठीक, ये कह रहा है कि जो आर ई है इसको आप इम्पोर्ट करें और इसका पैटर्न ये देखिए ए ए जी सी टी टी, ये जो नाम दिया है ना दोस्तों इसका मतलब क्या है, एडानिन एडानिन गवानिन साइटोसिन थायमिन थायमिन, ये दोस्तों गवानिन साइटोसिन थायमिन और एडानिन ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स है जिससे आप लोग हमारे डीएनए या आरएनए बना है वायरस तक, ठीक है ना, समझा रहा ना। ये जो सीक्वेंसेस है इसको इज ए वेरिएबल, यानी सीक्वेंसेस के साथ आप किस तरह छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसको आप एक वेरिएबल को असाइन करेंगे, ठीक, समझा रहा ना, और एक लाइब्रेरी है री आर ई
नहीं भाई, पाइथन के अलावा, पाई में से के अलावा बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। ये देखिए, एक एक सीक्वेंस को इस तरह मैनुअली इसने कोई एनसीबीआई की रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं किया। ये दोस्तों एनसीबीआई एनसीबीआई में कर रहा हूँ, ये मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए दोहरा दूँ फिर से, अल्लाह करे कि ये मेरा ब्राउज़र चल पड़े। ये आप हैरान रह जाएंगे और आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे तो सर ने कहा कि GCTA, तो यहाँ पे जो NN आया है ये क्या है? मेरे भाई जो GCTA है ना, इसमें से दो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है और दो क्या है, पायरामाइडिन है। ठीक, ये जी और सी क्या है, ये पायरामाइडिन है, और टी और ए क्या है, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है। ठीक, जब फॉर एग्जांपल आपको पता ना हो या सिक्वेंसर धोखा खाए या मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट धोखा खाए, लेकिन वो ये आइडेंटिफाई करे कि यार ये प्यूरिन है, समझा रहे ना, तो उसको हम एन लिखते हैं कभी कभार, समझा रहे ना। इसी तरह अगर आपको ये पता भी नहीं हो कि ये प्यूरिन है या पायरामाइडिन है, तो इसके लिए एक और टर्म है, यानी ये जो NN है ना, ये कोई न्यूक्लियोटाइड नेम नहीं है दोस्तों। न्यूक्लियोटाइड नेम क्या है, चार है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। क्लियर? यस सर। हाँ, थोड़ा सा मेरा ये जो लेक्चर है ना, इसको फिर रिकैप करें। क्लियर? सही सर। ये मुसीबत इतना हैंग है कि पता नहीं क्या हुआ है, ये मेज का फंक्शन क्या है इसका, फॉर एग्जाम्पल इसका मकसद क्या है, इसमें जब हम सीक्वेंस देते हैं तो क्या होगा। ठीक, और ये क्या वही वो जो पाई एम एस है, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा इसी तरह जब मैच हो जाए तो इसका स्कोर कैलकुलेट करेगा या वैसे हमें बताएगा कि ये जी ये इस तरह हो गया बस। ठीक, सिर्फ डिस्प्ले हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, समझा रहे ना। ये मेरे ख्याल में वही प्रिंटिंग का फंक्शन सिर्फ है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक, स्टार्ट एंड एंड स्पेन, ये RE में ये भी है एक मॉड्यूल में। ठीक, ये सिंपल स्ट्रिंग है, आप AAGGCCT के बजाय यहाँ पे RE मॉड्यूल में आप अपने नेम के अल्फाबेट दे सकते हैं, लेकिन बाई MSA और बाई पाइथन सीक्वेंस IO एलाइन IO उसमें आप स्पेसिफिकली न्यूक्लियोटाइड या प्रोटीन के सीक्वेंस जो वर्ड बेट है वो इस्तेमाल करेंगे, समझा रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे RE में कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये मजीद मेटा करेक्टर्स वगैरह इन्होंने बताया है कि इस लाइब्रेरी में मजीद क्या फंक्शन है। अगर हम रिवर्स डी लेके वैसे पाइथन प्रोग्रामिंग में, तो आपको एरर आएगा कि नहीं, अगर आप एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करें तो फिर आएगा कि नहीं। ठीक, ये चीज़ें हैं, ये वैसे मेरे ख्याल में काम करेंगे या नहीं इसको ज़रा चेक करें, या जब आप RE इंपोर्ट करें तब ये काम करेंगे। ठीक, ये चीज़ है बस, ये पूरा जो है ना वो पाइथन का जो बेसिक कंपाइलर है बस। पाइथन पे मजीद मैं मजीद इसको एक्सटेंड नहीं कर सकता, कमिंग लेक्चर में हम PHP पे बहस करेंगे। ठीक, पहले एग्ज़ाम होगा 21 को, ये याद रखे, 21 को क्या होगा एग्ज़ाम, और फिज़िकल या ऑनलाइन वो मुझे ज़रा काइंडली फिर इन्फॉर्म करें। ज़ाहरी बात है फिज़िकल के लिए आ जाए ताकि मुलाकात भी हो जाए। ठीक है, समझा रहे हैं। हेलो सर, सर ये स्टूडेंट्स है सर, अभी डिस्कस किया है जो ब्रेक थी उसमें।
तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सर ठीक है। ऑनलाइन कर लेंगे, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। और ये ज़रा जहन नशीन कर ले कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कमिंग वीक को, ठीक, पीर के दिन, और क्लास भी होगा, ठीक है ना। हो सही सकता सही है आप लोगों का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होना इस तरह 11 बजे फिर शुरू हो जाए। हाँ, सही सही और 2-2.5 बजे हम अपना क्लास लेंगे, क्लियर। तो इसके लिए आप सही लोग और मेंटली सही मेंटली तैयार हो जाए कि हम पीएचपी शुरू करेंगे, ठीक। और पीएचपी सही में मैं जो है ना, ये एडवांस है, अभी मैं आपको बताता हूँ, हम ड्रीमवीवर में काम करेंगे। जिस तरह अभी हमने मैंने आपको जिटर एनालिटिक्स पूरी तरह से समझाया, ठीक, कोडिंग भी सही सर दिखाया, गिटहब पे मैंने प्रोजेक्ट दिखाए, रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट दिखाए, ठीक। और अभी वो यस मैनुअल भी, वो 7 और 8 चैप्टर, वो जो सैम्पल लाइब्रेरीज है वो मैंने आप लोगों को दिखाए, ठीक, समझा रहा। यस सर इसमें क्वेश्चन आएंगे, ये इस तरह मैंने नहीं दिए, ठीक है ना। आरई का मैं पूछूंगा, मैथ का मैं पूछूंगा, मैथ प्लाट का पूछूंगा, पांडास का पूछूंगा, इसके फंक्शंस आएंगे, क्लियर। सही है। मैच और जो सही पाई है में सेम है, मैच है मिसाल के तौर पर, और ये जो मैच है फॉर एग्जाम्पल जो आरई में मैच है, इसमें क्या फर्क है, ठीक। ये जो सही सीक्वेंसेस है हम डिक्लेयर करते हैं, ये क्या है और उसको हम किस तरह मैच करते हैं, लेट से वो जो डेटा सेट है ना वो किस तरह हम डाउनलोड करते हैं, सीएसवी फॉर्मेट क्या है, फास्टा फॉर्मेट क्या है, ठीक, इसको हम किस तरह मैनिपुलेट करते हैं, सही सर या ये जरूरी है। बहुत काम हुआ है और आप लोगों से मेरी उम्मीदें हैं कि आप लोग हमें मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। और सर ये पेपर 11 से कब तक होगा सर? 2 बजे तक मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता दूंगा फिर। सही है सर। हाँ, एनी क्वेश्चन नो सर और असाइनमेंट 20 जून तक है फिर आप लोग। खैर अभी एग्जाम भी है तो एग्जाम के बाद जमा करें, कोई बात नहीं, 25 तक करें, ठीक है। हाँ, सही इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फिर वो कमिंग क्लास में हम पीएचपी पे शुरू करेंगे। पीएचपी में ड्रीम व्यूअर जाहिरी बात है, उसके लिए अपाची सर्वर हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक। सही सर। हाँ सर वो जेम्प जो हमने इंस्टॉल किया था जी, उसी से बस करेंगे ना, या उसके लिए कोई और चीज डाउनलोड करना पड़ेगी? यानी पीएचपी के लिए जाहिर बात है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा पहले से, एडिटर तो आपको चाहिए ना, जिस तरह भी जुपिटर बिल्कुल एनालिटिक इधर इस्तेमाल करते हैं, तो एडिटर हम ड्रीमवीवर इस्तेमाल करेंगे। बाकी सही जो सर अभी वेबसाइट बन रहे हैं वो या तो कोड इग्निटर वगैरह, जिसको हम पीएचपी फ्रेमवर्क कहते हैं, और या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में वेबसाइट हम बनाते हैं, तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो या पीएचपी फ्रेमवर्क हो, ठीक है ना, दोनों सही में आप ब्राउजर में कोडिंग वगैरह हम सब कुछ वो सेटिंग वगैरह करते हैं, सही है लेकिन सर। एडिटिंग तो आप एक एडिटर में करेंगे ना, सोफिस्टिकेटेड एडिटर होगा, जो यस आज मैं सर आप लोगों को बता रहा था कि अगर आप डार्ट लिखेंगे तो खुद ब खुद बाकी सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। बिल्कुल हाँ, ये दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये जो इस मैनुअल में जो लाइब्रेरीज है, बायो पाई एम एस है, जो आज मैंने जिक्र किया, ये जुपिटर एनालिटिक्स में काम नहीं करते, समझ आ गया ना। यस सर। हमने सर पिछले क्लास में वही तो, उसने हमने सर ट्राई इस भी पे की करेक्ट थी, काम नहीं कर रहे हैं ना, तो वही एनाकोंडा पे जरा पाई चांप लॉन्च करे फिर, बिल्कुल या स्पाइडर लॉन्च करे, स्पाइडर में चेक करे, हो सकता है वो इससे बेहतर हो। ठीक है, सर।